भंसाली नेटफ्लिक्स के लिए हीरा मंडी नाम से एक सीरीज बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग 27 जून से शुरू हुई। ये सीरीज लाहौर के रेड लाइट एरिया में रहने वाली वेश्याओं के 3 पीढ़ियों की कहानी होगी। ये 8 एपिसोड की सीरीज होने वाली है। इसी के जरिए भंसाली अपना OTT डेब्यू भी करने वाले हैं। इससे पहले भी वो सेक्स वर्कर्स की जिंदगी पर गंगूबाई काठियावाड़ी बना चुके हैं। फिल्म में सेक्स वर्कर्स के सशक्त किरदार दिखाए गए थे, उनकी भीतरी पॉलिटिक्स दिखाने की भी कोशिश की गई। ऊंची सोच के समाज में सेक्स वर्कर्स की ऊंची सोच को पोर्ट्रे किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे पहले ऐसी कौन कौन सी फिल्में बनी हैं जिनमें सेक्स वर्कर्स की कहानी को पर्दे पर संजीदा तरीके से उतारने का प्रयास हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आया है तो उत्तर देना तो बनता है। तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं आज का खेल। पैरेलल मूवमेंट के पुरोधा श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनी फिल्म मंडी 1983 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तानी लेखक गुलाम अब्बास की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म एक ब्रॉथल की कहानी कहती है, जिसे कुछ नेता अपने फायदे के लिए रिलोकेट करना चाहते हैं। मंडी भ्रष्ट और दोहरे मर्दवादी समाज को आईना दिखाती है, जो नैतिकता के नाम पर सेक्स वर्कर्स और उनके पेशे से घृणा करते हैं। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह इसमें मुख्य भूमिकाओं में है। इसके लिए नीतीश रॉय को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला था। गीत कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित एक गांव की कहानी है, जहां के गरीब देवदासी परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसके तहत लड़कियों को देवी यलम्मा की सेवा में दे दिया जाता है। जमींदार, पुजारी और दूसरे पुरुष उनका फायदा उठाते हैं और वीरप्पन जैसे पिम्प्स इन्हें बॉम्बे के ब्रॉथल ले जाते हैं। पति पत्नी भास्या और हनुमी मास्टर जी के साथ मिलकर देवदासी प्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठाते हैं। फिल्म में स्मिता पाटिल, ओमपुरी और नाना पाटेकर लीड रोल्स में हैं। TS रंगा ने इसका डायरेक्शन किया है। महिला मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर मधुर भंडारकर ने साल 2001 में चांदनी बार बनाई। तब्बू और अतुल कुलकर्णी ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कहानी है मुमताज की, जिसके माता पिता महजबी दंगों में मारे गए। उसके परिवार में अकेले बचे चाचा के साथ वो मुंबई चली आती है। उसके चाचा उसे चांदनी बार में काम करने के लिए राजी कर लेते हैं, फिर एक दिन उसका रेप करते हैं। ऐसी ही तमाम कहानियां उस बार में जज्ब है, कैसे लड़कियों को सेक्स, यौन शोषण और गैंगस्टर्स को झेलना पड़ता है। फिल्म इसी कहानी को कहती है। इसके लिए तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस और अतुल कुलकर्णी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत कुल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। चमेली करीना कपूर के कुछ अच्छे कामों में से एक है। ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की मौत के बाद अवसाद में चला जाता है, जिसकी भूमिका राहुल बोस ने निभाई है। उसे चमेली नाम की एक वेश्या मिलती है। चमेली से मिलने के बाद उसके सामने कई घटनाएं घटती हैं। इस सभी घटनाओं के बाद जब वो घर वापस आता है तो चमेली की वजह से खुद को एक बदला हुआ आदमी पाता है। शुरुआत में तो फिल्म वेश्यावृत्ति से जुड़ी पारंपरिक धारणाओं को दिखाती है, बाद में उन चीजों से आगे निकल जाती है। सोहिनी घोष की डॉक्यूमेंट्री टेल्स ऑफ नाइट फेरीज दरबार महिला समन्वय कमेटी यानी DMSC की महिलाओं के संघर्ष और सपनों को पर्दे पर उतारने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। DMSC पश्चिम बंगाल में करीब 65,000 सेक्स वर्कर्स का संगठन है। डॉक्यूमेंट्री सेक्स ट्रेड और ट्रैफिकिंग के अनोखे पहलू को दिखाती है। लक्ष्मी एक बच्ची लक्ष्मी की कहानी है, जिसे किडनैप करके बेच दिया जाता है और फिर वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दिया जाता है। लक्ष्मी बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से होते हुए आखिर में दूसरी लड़कियों के साथ आजाद होने में सफल हो जाती है। फिल्म ग्रामीण इलाकों में पर्दे के पीछे चल रहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन की क्रूर सच्चाई दिखाती है। इसे नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है। मोनाली ठाकुर, शेफाली शाह, राम कपूर और सतीश कौशिक ने फिल्म में रोल्स निभाए हैं। लेखक निर्देशक आदित्य कृपलानी की फिल्म टिकली एंड बॉम्ब को
बर्लिन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल 2018 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ये मुंबई में रह रही दो सेक्स वर्कर्स लक्ष्मी और टिकली की कहानी है। दोनों मिलकर पिम्प्स को अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें देने से इनकार कर देती हैं। शेयर न देने की बात से शुरू आंदोलन बढ़ता जाता है और दोनों दूसरी सेक्स वर्कर्स के साथ मिलकर पिम्प्स के एक छत्र राज को खत्म करने के लिए आंदोलन करती हैं और अपना व्यापार पुरुषों के सहारे नहीं बल्कि खुद चलाने की ठानती हैं। चित्रांगदा और विभावरी देशपांडे ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। बेगम जान एक पीरियड फिल्म है। इसकी कहानी 1947 के आसपास घटती है। विद्या बालन इसमें बेगम जान की भूमिका में है। वो एक ब्रॉथल चलाती हैं, जहां उन्होंने बहुत सी सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को बड़ा किया है, जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया था। भारत विभाजन के समय उसका ब्रॉथल इंडिया पाक बॉर्डर के बिल्कुल बीच में आ जाता है। उसे ब्रॉथल खाली करने का आदेश दिया जाता है और बेगम जान नहीं मानती है। फिल्म सेक्स वर्कर्स के अपने घर को बचाने की गाथा कहती है। इसे श्रीजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म उन्हीं की बंगाली मूवी राजकाहिनी का रीमेक है। इन फिल्मों से इतर प्यासा, बेगम जान, उमराव जान, सरीखी कुछ दूसरी फिल्में भी हैं जो सेक्स वर्कर्स के जीवन संघर्षों और सच्चाइयों को उजागर करती हैं। संभव है फिल्मों के समंदर में हमसे कुछ फिल्में छूट भी गई होंगी। थोड़ा हाथ हमने बढ़ाया तो थोड़ा आप भी बढ़ाइए और आपके अनुसार जो फिल्में सेक्स वर्कर्स की सच्चाई को सहज ढंग से पेश करती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं अर्षदा, देखते रहिए लंदन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।